नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मेरी पहचान में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने चैनल पर किसी भी मोबाइल के अपडेट की वीडियो सबसे पहले लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, Redmi 7A स्मार्टफोन को भारत में कथित रूप से MIUI 12 अपडेट मिलना शुरू हो गया है। और दोस्तों, यह अपडेट दिसंबर 2020 से एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच के साथ आया है। और दोस्तों, इस अपडेट का जो साइज है 547 MB का है और इस अपडेट को स्टेज मैनर में रोल आउट किया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में हो सकता है कि सभी यूजर्स तक इसे पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। अभी दोस्तों, आपको अब तक इस अपडेट का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपने फोन की सेटिंग में जाकर इस अपडेट की उपलब्धता की जांच कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा यह कई सीन में एनिमेशन को भी ऑप्टिमाइज करता है और लॉक स्क्रीन अलार्म में फुल स्क्रीन गेस्चर को अपडेट करने के बाद इग्नोर कर देता है। और दोस्तों, ऊपरी बाएं कॉर्नर से स्वाइप डाउन करने पर नोटिफिकेशन सेट ओपन होता है और ऊपरी दाएं कॉर्नर पर स्वाइप अप करने से कंट्रोल सेंटर ओपन होता है। और दोस्तों, कंट्रोल सेंटर ओपन करने के लिए ऊपरी बाईं और दाईं किनारे में एक नया स्वाइप डाउन नेविगेशन ऑप्शन मिलता है। इनकमिंग कॉल आने पर अपडेट कंट्रोल सेंटर को बंद कर देता है। और दोस्तों, कंट्रोल सेंटर के लिए लैंडस्केप मोड में लेआउट को भी ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, Redmi 7A का लेटेस्ट अपडेट वॉलपेपर्स के लिए ब्राइटनेस और कलर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आया है और नोटिफिकेशन सेट में आने वाले कुछ समस्याओं को भी इस अपडेट के जरिए फिक्स कर दिया गया है। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।